हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे हिमाचली ब्लॉगर 77। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सब अपने अपने काम में व्यस्त भी होंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है मेरा शिवरात्रि के दिन का। तो मैंने आज, मुझे टाइम ही नहीं लगा इसे अपलोड करने का और इसको एडिटिंग करने का, तो बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला है। तो मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ और ये देखिए मॉर्निंग का। तो पंछियों के शोर से जाना के भोर हो गई, पंछियों के शोर से जाना के भोर हो गई, पुलकित हो गई। फ्रेंड्स, इतना ही आता है क्योंकि बहुत प्यारी प्यारी आवाज़ें आ रही थी पंछियों की, तो मैंने म्यूट नहीं किया है, मैंने रहने दिए है आप लोगों के लिए। तो आप भी सुनिए कितनी प्यारी प्यारी आवाज़ें आ रही हैं, और मेरा सफ़र शुरू है इन प्यारी प्यारी आवाज़ों के साथ। और ये देखिए कितना कठिन रास्ता है। मैंने कहा आज आपको ना अच्छे से अपने रास्ते ही दिखा देती हूँ। आपको नज़र आ रहे होंगे कितने सारे पत्थर है और कितना ही मुश्किल सफ़र होता है हम पहाड़ों में रहने वाले लोगों का। तो ये देख सकते हैं आप कितना कठिन रास्ता है ना, चलना बहुत मुश्किल होता है। और मुझे तो जल्दी लगी थी, और मैं बहुत जल्दी जल्दी चल रही थी। अपने हिसाब से मैं बहुत जल्दी चल रही थी, वैसे मुझसे चला नहीं जाता, मैं बहुत स्लो चलती हूँ। तो ये सुबह सुबह मेरे काम को जा रही थी, तो क्योंकि आपको पता ही, मैंने बताया था गेस्ट आए, सबको पता है कि मैडम के घर में गेस्ट आए, लाइट में सबको बताती थी कि गेस्ट आए हैं और काम बहुत ज़्यादा है। शिवरात्रि का टाइम था और मैं सुबह की 7 बजे की गई, दिन को 4 बजे वापस आई। हम ना शिवरात्रि के व्रत ना 2 दिन रखते हैं फ्रेंड, एक शिवरात्रि के पहले का दिन का व्रत रखते हैं और एक शिवरात्रि का दिन। तो हमारे 2 दिन व्रत होता है शिवरात्रि का। तो मेरा पहले दिन भी व्रत था सारा दिन, और 11 बजे मैं रात को घर आई थी। तो आज फिर व्रत है, तो आज और सुबह चल पड़ी हूँ। आप देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर फूल है ना, ये देखिए, और साथ में लगे हुए हीरे, जिसको हम हीरे बोलते हैं, जिसके अभी इसमें फूल आए हुए हैं ना वाइट वाइट, और झाड़ी होती है कांटेदार, बहुत ही मीठे फल होते हैं इसमें ना, छोटे छोटे लगते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए शेयर करूँगी, जब इसमें फल लगेंगे पकेंगे तो आप लोगों को बताऊँगी। अरे थोड़ी सी दिखी है आपको यहाँ पर बावड़ी, और यहाँ हो रहा है पुल का निर्माण, और यहाँ पहले ही यहाँ पे हमारा जंगल ख़त्म होता है और शहर शुरू होता है। और फ्रेंड्स, ये वीडियो है मेरी शाम के टाइम की, क्योंकि आगे का सफ़र मैंने आपसे शेयर किया है पिछले वीडियो में, इसलिए मैंने यहाँ नहीं डाला है। तो ये मैं जब शाम को 4 बजे घर आ रही थी, ये वीडियो उस टाइम का है, और ये वीडियो है वहाँ का जहाँ मैं बिल्कुल रहती हूँ घर के साथ ही। तो क्योंकि सुबह यहाँ शूट करना बहुत ही मुश्किल होता है, और आपको एक खेत दिख रहा है, और घास के लगाए हुए ना इन्होंने, मकान मालिक ने, इनके पशु है, सर्दियों के लिए इकट्ठा करके रखते हैं घास इस तरह से, और यहाँ लकड़ियों के ढेर लगाए हुए हैं। और ये देखो आप रास्ता कितना कठिन है। सुबह मैं जब उतरती हूँ ना, तो यहाँ से वीडियो शूट करना बहुत ही मुश्किल होता है। आप देख सकते हैं ये कितनी चढ़ाई है और कितना ख़राब रास्ता है, बड़ी मुश्किल से पकड़ पकड़ के नीचे उतरती हूँ, यहाँ पे पत्थर ही पत्थर है। और पहुंच गई थी मैं आंगन में, और आंगन में मिली है, देखो कौन आया है फ्रेंड्स आज वीडियो में, किस कौन है ये, आप पहचानो कौन है ये हमारी काशी है, काशी और शालू, शालू हमारे मकान मालिक की पोती है, और ये हमारे पड़ोसियों की है राधिका है, राधिका, शालू, गुन्नू और काशवी, आप इन 4 महारानियाँ हमारी परिया है, इनसे मिले। और पति देव भी बैठे हुए थे धूप में, सारे ही धूप सेक रहे थे यहाँ बैठ के। और ये वीडियो है, थोड़ी देर बाद बैठने के बाद फिर सूर्यास्त हो रहा था, तो मुझे लगा बहुत ही सुंदर लग रहा था, तो मैंने वीडियो शूट कर लिया। और उससे पहले मैंने गुन्नू को भेज दिया था पाजे की पत्तियाँ तोड़ने। तो फ्रेंड्स, हमारे शिवरात्रि में ना पाजे की पत्तियों का बहुत ही विशेष महत्व है, पूजा के लिए हमारे पाजे की पत्तियाँ ज़रूर लगती है।
चल गए इस खेत की में। पत्तियां लेके आ गई है खेत लहसुन प्याज और ये खेत लगा। मैं इनसे पूछ रही थी क्या क्या लगाया इसमें, तो बता रही थी प्याज लहसुन। तो भाभी हमारे साथ ही बैठी थी तो पूछ रही थी, पर मैं इसकी वीडियो ना आपको अलग से बनाऊंगी। और ये है आड़ू का पेड़ आंगन में लगा हुआ, तो अभी इसमें फूल पत्ते कुछ नहीं, अभी सूखा ही है। गई कि फूल लगे तो नहीं, पूछ रही थी अभी फूल नहीं आए, कहते अभी आएंगे। जब इसमें फूल आ जाएंगे तो फिर से मैं वीडियो शूट करूंगी आप लोगों के लिए। और ये फ्रेंड्स आ गई थी, फिर मैं अंदर उस नहाई धोई, उसके बाद मैंने बनाना के शुरू। ये बनते हैं हमारे बबरू, मीठे बबरू, हमारी भाषा में इसको कचौरू बोलते हैं, कहीं बबरू बोलते हैं, कहीं पकैन बोलते हैं। और साथ में बना रही थी मैं पकौड़े भी, पकौड़े बनते बनते मैंने वीडियो बना लिया था क्योंकि बहुत ही कम टाइम था, वीडियो नहीं बना पाई। और फ्रेंड्स हमारे छोटी सी ही पूजा थी क्योंकि हमारे जेठ के बेटे की डेथ हुई है इस साल, हम तो त्यौहार कोई भी नहीं मना रहे हैं, तो बस हमने भोग लगाने के लिए थोड़ा सा ही सामान बनाया था, ज़्यादा नहीं बनाया। दाल चावल और बस बबरू और पकौड़े बना लिए थे, बस प्रसाद चढ़ाना था, बाकी कुछ नहीं। और ये देखिए मैंने लगा दिए हैं शिवजी भगवान के भोग, तो सारी हमारे पकैन के रखते हैं, थोड़े से चावल दाल जो जो भी बना होता है ना फ्रेंड्स, वो हम इस तरह से लगा लेते हैं। इसमें दूध घी भी डाल लेते हैं, मैंने जल का लोटा भी भर के रख लिया था क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ज़्यादा सामान नहीं है पूजा का भी, क्योंकि मंदिर मंदिर जो है सारा बच्चे लेके गए हैं, हम लोगों के पास अभी कुछ नहीं, मुझे अब लेना है सब कुछ। और फ्रेंड से देखो है काशी की मस्ती, तो क्या कर रही है, भेड़ बकरिया खींच रही है मकान मालिक कहती है। और फ्रेंड्स इसी के साथ कहती हूँ वीडियो को एंड, बाय बाय, मिलते हैं फिर अगले वीडियो।